हिमाचल पथ परिवहन निगम कर्मचारी संगठन इंटक की बैठक सोलिखड़ स्थित एचआरटीसी की वर्कशॉप में आयोजित की गई। बैठक में इंटक के प्रदेश अध्यक्ष बबलू पंडित, महिला इंटक अध्यक्ष आरती सहित अन्य सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान एचआरटीसी चालकों और परिचालकों ने पेश आ रही समस्याओं को अध्यक्ष के समक्ष रखा। एचआरटीसी के चालकों और परिचालकों का कहना है कि सरकार द्वारा हाल ही में वर्दी के लिए उनकी तनख्वाह से पैसे काटे गए हैं, जो उचित नहीं है। चालकों और परिचालकों का कहना है कि उनकी तनख्वाह में से 735 रुपए वर्दी के काटे गए हैं। उन्होंने कहा कि एक दिन का अवकाश बंद कर दिया है। चालकों और परिचालकों को लंबे रूट के बाद मिलने वाली ओडीआर बहाल कर दिया जाए, वहीं नाइट और ओवर टाइम का पैसा भी नहीं मिल रहा है, जो जल्द दिया जाए। प्रदेश अध्यक्ष बबलू पंडित ने चालकों और परिचालकों को पेश आ रही समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सभी मांगों को प्रमुखता से मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। इस दौरान जिला कार्यकारिणी का भी गठन किया गया, जिसमें टेक सिंह को अध्यक्ष, ब्रिजलाल को सचिव, लाल सिंह को महासचिव, प्रकाश चंद को कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया। और आज जो यहाँ जिला मंडी की एचआरटीसी कर्मचारी इंटक की बैठक हुई है, जिसमें कि चुनाव हुआ है, जिसमें सर्वसम्मति से जो जिला अध्यक्ष बनाया गया है वो टेकचंद जी को बनाया गया है, और महासचिव बनाए गए हैं दो, जिसमें ब्रिजलाल जी, लाल सिंह जी, और कोषाध्यक्ष प्रकाश चंद जी को इलेक्टेड जो चुनाव के द्वारा यहां पर चुना गया है। अरे बाद में थोड़ा विस्तार करें। कुछ हमारे सामने जो समस्याएं रखी गई है, एक तो ओडीआर की है, जो इनका ओडीआर पेंडिंग है वो सरकार के सुखु जी के सामने मैं ये चीज़ इनकी मांग पत्र के द्वारा रखूंगा। और कुछ समस्याएं आई है वर्दी को लेकर, जो इनके जो पैसे कटे हैं 735 के लगभग, वो जो समस्या है वो आई है, उसमें मैं सरकार से मांग करूँगा कि इस जो इन्होंने 735 रुपये काटे हैं, इस मांग मतलब कि जो 735 काटे हैं उनको दोहराया ना जाए कम से कम। और उसके बाद जो ओवर टाइम का पैसा पेंडिंग पड़ा है इनका, वो जल्दी से जल्दी इनके खाते में पहुंचना चाहिए। कर्मचारियों की कमी, जिसकी वजह से जो समस्या आ रही है, जो एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं, कर्मचारियों के ऊपर ओवरलोड पड़ रहा है, वो कर्मचारियों की समस्या क्या है कि जब इनकी एचआरटीसी की जो स्थापना हुई थी तो उस समय 1600 के लगभग बसें थी, तो आज की बसों की संख्या पहुंच गई है लगभग 3500 के लगभग। तो वो समस्या, बसें तो उतनी, कर्मचारी उतने हैं, बसों की संख्या जो 3500 दोगुनी से भी ऊपर चली गई है, तो उसकी वजह से कर्मचारियों पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ गया है। लोड पड़ने के कारण एक तो आराम नहीं मिल रहा कर्मचारियों को, आराम ना मिलने के कारण फिर वो अव्यवस्था फैलती है। जब बंदे को रेस्ट ही नहीं मिलेगा तो अव्यवस्था फैलेगी। तो मैं सरकार से सुक्कू जी को ये अपना एक मांग पत्र दूंगा कि एचआरटीसी कर्मचारी इंटक की तरफ से, कि जो ये समस्याएं हमारे कर्मचारियों को आ रही है और जो कर्मचारियों की जो कमी है, इसको जल्द से जल्द दूर किया जाए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से दीक्षा ठाकुर की रिपोर्ट।